हेलो गाइस, वेलकम टू पीएम ब्लॉग चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, मेरे तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो पे, और आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड, हाथ जोड़ के हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। तो हम लोग चल रहे हैं न्यू ब्लॉग शूट करने, और मेरे तरफ से भी आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई। और फ्रेंड्स, अभी लोग चल रहे हैं नौका विहार। वहाँ के जो फ्लैग है, जो सबसे ऊँचा फ्लैग है, वो मुझे नहीं पता वो कितने रैंक पे हैं, तो मैं वहाँ पे चलूँगा। और आप सभी को नौका विहार का सेल्फी पॉइंट, जो अभी अभी हाल में मतलब फिलहाल ही बना है, आई लव गोरखपुर फ्रेंड, तो वो सेल्फी पॉइंट भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और हमारे रेलवे स्टेशन का फ्लैग, हमारे डीडीओ का फ्लैग, वो भी दिखाऊंगा फ्रेंड। और जो भी जितने यूट्यूबर अभी तक बनाए हैं आई लव गोरखपुर का, तो उन लोगों से हम ज़रा हट के हम लोग ब्लॉग बनाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अब प्लीज़ मैंने तो बोला था हट के, तो हट के ब्लॉग मिलेगा फ्रेंड, थोड़ा सा अलग, कुछ अलग निखार रहेगा फ्रेंड। तो आप आइए, आप लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पॉइंट तक बने रहेगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग। आइए फ्रेंड, चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। आइए। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन के सामने। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे ऊंचा नहीं है ये, कहाँ गया ये रहा फ्रेंड, हमारे इंडिया का फ्लैग फ्रेंड। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लग रहा है कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ फ्रेंड, लग रहा है कोई सेलिब्रेशन नहीं होता। अभी आप लोग ले चलते हैं डी डी, शायद वहाँ सेलिब्रेशन हुआ फ्रेंड्स। वहाँ पे अच्छे से, क्योंकि वो स्कूल है, मतलब कॉलेज है फ्रेंड, सॉरी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, स्कूल के कारण स्कूल निकल रहा है मुझसे, वो यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे शायद अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ होगा फ्रेंड्स। और ये बहुत ही अच्छा था फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा फ्लैग, बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग ये दिखा देते हैं शॉर्ट लेंस, और ले चलते हैं वीडियो की तरफ। आइए फ्रेंड्स, हम लोग डीडीयू आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे डीडीयू है, और यहाँ पे झंडा नहीं लगा है इंडिया का फ्लैग। अब तो फ्रेंड क्या करूँ फ्रेंड, किस्मत ही खराब है आज, यहाँ झंडा ही नहीं मिला। देखिए, शायद नौका विहार पे झंडा मिल रहा है आप सभी को, वहाँ का झंडा जो कि गोरखपुर का सबसे अच्छा झंडा है, और वहाँ पे शायद आप सभी को झंडा मिल रहा है। वहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, इतना अच्छा झंडा फ्रेंड, इतनी खूबसूरत झंडे, 246 फीट ऊंचा फ्रेंड, 246 फीट, इतनी लंबी ऊंचाई है फ्रेंड। तब तो आइए वहाँ का झंडा दिखाते हैं, और बहुत ही मज़ा आएगा फ्रेंड, ब्लॉग पे ही बने रहिएगा, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग आ चुके हैं नौका विहार के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये तालाब है, और फ्रेंड्स इधर ये इतनी ज़्यादा भीड़ है, दिखाइए, ये 26 जनवरी की भीड़ है फ्रेंड। तो आप लोग को अंदर दिखाते हैं, और आप लोग दिखाते हैं 75 मीटर ऊंचा झंडा, मतलब कि 246 फीट। आई फ्रेंड्स अंदर दिखाते हैं, और आप लोग को सेल्फी पॉइंट दिखाते हैं, आई लव गोरखपुर। आई फ्रेंड्स स्टार्ट कर रहे हैं। अरे यार, हमको मज़ा नहीं आ रहा यार ये ब्लॉग शूट करें, बताएं क्यों? मैं गया था, क्योंकि अब देखिए ऊपर का झंडा गायब है ना, यही मेन प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। आज ही के दिन सोचिए, 26 जनवरी, इतना अच्छा दिन, रिपब्लिक दिन, गणतंत्र दिवस के दिन हमारा तिरंगा देश का झंडा गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया फ्रेंड, अब क्या किया जाएगा। और इससे बुरी बात क्या हो सकती है हमारे गोरखपुर शहर के लिए, सोचिए फ्रेंड 26 जनवरी के दिन स्पेशली ये झंडा गायब है ही नहीं, फहराया ही नहीं गया, फिर एक दिन इतने पब्लिक इतनी भीड़ आई है, कुछ लोग तो तिरंगा देखने के लायक फ्रेंड, कुछ लोग तो यहाँ पूरा ये जो सेल्फी पॉइंट बना उसको देखने गए, अरे आप लोग को वो भी दिखाएंगे फ्रेंड्स, लेकिन क्या करें, वो तो लगा ही रहेगा। मैं आप लोग दिखाता हूँ सेल्फी पॉइंट, और मैं बहुत ही उदास हूँ फ्रेंड्स, कि मज़ा नहीं आया फ्रेंड्स ये ब्लॉग बना के, इतना बहुत ही बोरिंग फील हो रहा है मुझे। मैं जिसके लिए मैं सोचा कि आज मैं देखूँगा 246 फीट झंडा ऊँचा फ्लैग, अपने इंडियन फ्लैग को इतने दूर से लहराते हुए, दूर से इतना अच्छा लगेगा फ्रेंड कि बहुत मज़ा आएगा। फ्लैग लगा नहीं है तो उतना मज़ा नहीं आएगा देखने में, सिर्फ लहराता रहता फ्रेंड्स, वो लहराता हमारे गौरव, हमारे इंडिया के लिए इतनी बुरी चीज़ है, हमारे गोरखपुर के लिए, हमको मज़ा नहीं आया फ्रेंड। आइए आप लोग दिखाते हैं तो क्या किया जाए, आप लोग के वही बचा है आई लव गोरखपुर सेल्फी पॉइंट। आइए फ्रेंड्स, तो उसको इन्जॉय की जाइए फ्रेंड।
सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सेल्फी पॉइंट नौका बिहार, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये सेल्फी पॉइंट में इतनी ज़्यादा भीड़ है अभी, इतने सब सोचिए अभी अच्छे से बना भी नहीं, इतना गंदा हो गया। और इसको मतलब गोरखपुर में कोई भी चीज़ आती है उसकी अहमियत नहीं है। मुझे भी ये ब्लॉग बनाने में बहुत मज़ा नहीं आ रहा फ्रेंड, पहले झंडा नहीं मिला मुझे। यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सब लोग उसके जो लेटर है, जैसे गोरखपुर GORKHPUR जो भी सारे लेटर है उसके ऊपर सब लोग चढ़ के फोटो खिंचवा रहे हैं फ्रेंड। मतलब यही रह गया है, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड, आपसे अनुरोध है कि इस तरह की कार्य ना कीजिए फ्रेंड, बहुत मज़ा नहीं आता है। हमारे सोचिए इस रात गोरखपुर में कोई भी नई चीज़ नहीं आती है फ्रेंड्स, इसी बस इन्हीं सब के कारण से दिखाई देती है। और देखिए 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 ये देखिए ये भैया को, इनको देखिए, ये भाई साहब आसमान पहुंचना चाहते हैं। इसी नाते हम लोग को ये अच्छा नहीं लगता है कि जो भी सामान नया आता है गोरखपुर में लगने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट आया है इस समय, तो इसके ऊपर लोग खड़े होकर सेल्फी खिंचवाते हैं कि उसके सामने होके नहीं खिंचवाते हैं। जैसा कि आप फ्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ पे भैया हैं हटजाना भाई, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं, और इधर देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, तो मुझे ये ब्लॉग शूट करके मज़ा नहीं आया, तो आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड्स? आप लोग इससे क्या अनुरोध है मुझसे और इन सभी लोगों से, मैं चाहता हूँ उनसे आप सभी से यही गुजारिश है कि आप लोग ऐसे आके ऐसे कार्य ना कीजिए फ्रेंड, और कि ऊपर जाके फोटो खिंचाइए। अगर किसी तरह ये योगी जी देख लें फ्रेंड, मुझे तो नहीं पता ये योगी जी देख पाएंगे, तो उससे अनुरोध है कि इसको अच्छे से जल्दी से जल्द इस कार्य को अच्छा कराया जाए और इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाए फ्रेंड। जैसा कि आप फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे कोई झंडा लगा नहीं है इस समय, देख सकते हैं आप। बहुत उदास फ्रेंड, आप सभी को भी मज़ा नहीं आ रहा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा फ्रेंड्स, इतना उदासी। सिर्फ ये जॉर्बिन बॉल है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जॉर्बिन बॉल है, ये जॉर्बिन बॉल, इसको जूम कर देते हैं। ये जॉर्बिन बॉल है फ्रेंड्स, इसकी फीस मैंने पूछी है, इसकी फीस 50 रुपीज़ है फ्रेंड, आप लोग आके इसको एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस, यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी बुरी वीडियो, मतलब इतनी बेकार वीडियो, इतनी बोरिंग वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। और क्या करें, वीडियो कैसी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा फ्रेंड। मैं आप लोगों को सोच रहा था कि एकदम अच्छी वीडियो बनाऊंगा, मैं सोचा 26 जनवरी स्पेशल इतनी अच्छी वीडियो बनेगी, मैंने इसका थंबनेल भी सोच के रखा था कि 26 जैन स्पेशल आई लव गोरखपुर, गोरखपुर का सबसे ऊँचा झंडा, लेकिन क्या करूँ फ्रेंड, मज़ा नहीं आया, बोर हो गया। चलो फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग फ्रेंड, ऐसे बोर ना होगा फिर मिलेगा आप लोग इससे अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलते रहेंगे फ्रेंड। तो आप लोग बताइए नेक्स्ट ब्लॉग कौन सा होना चाहिए, एम्स या जू होना चाहिए फ्रेंड, गोरखपुर जू होना चाहिए या एम्स या फिर हॉन्टेड ब्लॉग फ्रेंड्स। हॉन्टेड ब्लॉग मैं सोच रहा हूँ एक आप लोग के लिए फ्रेंड, तो हॉन्टेड ब्लॉग आप लोग सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड, हॉन्टेड ब्लॉग, गोरखपुर जू या फिर एम्स, क्या चाहिए फ्रेंड आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और जो वीडियो देख चुका है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लो इस वीडियो को, तभी आप लोग को पता चलेगा कि इंडिया की क्या दुर्दशा है। सही कर, तो फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग फ्रेंड, जो आप लोग बताएंगे उसी भी वीडियो बनेगा फ्रेंड, बाय। और ये सोच लीजिए, ये मुख्यमंत्री का शहर है, मुख्यमंत्री के शहर में ऐसा हो रहा है योगी जी के शहर में, तो अन्य प्रदेशों में क्या होता होगा और जिलों में क्या होता होगा। तो फ्रेंड बाय।